हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले लेक्चर में सारे उदाहरण कर रखे थे। अब 7.1 में जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि नहीं आपसे नहीं हो पाएंगे, उसको मैं ट्राई कर दे रहा हूँ। 7.1 में फर्स्ट तो हो जाएगा, फर्स्ट में टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सेकंड हो जाएगा, सेकंड को थोड़ा हल्का सा बता दे रहा हूँ। तो आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे यदि देखो ध्यान से, तो 2 में दिया है आप वाई इक्वल टू लिख लेना। इसको क्या लिख लोगे, टैन 2x प्लस 3। क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, डी ओ पॉन डी एक्स टैन 2x प्लस 3। टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। देखो कुछ भी नहीं करना है, जो काम मैं पिछले 2-3 दिनों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वही काम करना है हमेशा। 2x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस में 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd जो है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, पहले साइन का करना, फिर कॉस का कर लेना, फिर एक्स स्क्वायर का कर लेना, हटाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करूं, 4 में आपको y इक्वल टू में दे रखा है sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1। थोड़ा सा sec x आ जाता है, tan x आ जाता है कुछ अजीब से, तो उनको अपन क्या कर लेते हैं कि जो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे आसान फॉर्मूले जो होते हैं, जो ज्यादातर बच्चे के दिमाग में होता है, वो किस में होता है, साइन कॉस में होता है। तो आप, मैंने बोला हुआ भी, पीछे भी बोला हुआ है कि आपको जब भी सेक में मिल जाए, टैन में मिल जाए, ऐसा कुछ भी मिले, तो आप प्रयास ये करो कि उसको कॉस और साइन में चेंज कर लो। यदि यहाँ पर देखा जाए तो कॉस में चेंज करने का प्रयास करते हैं, क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस 1, नीचे बन जाएगा वो कॉस एक्स प्लस 1। एलसीएम कॉस बनेगा नीचे ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया, काम हो गया। आप ज्यादा नहीं करते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, आप डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ऊपर भी कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहीं अलग करोगे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दो फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन भागफल विधि से करेंगे। तो जो हम जानते हैं उसको लिखते हैं, तो हमने क्या पढ़ रखा है, जो नीचे दिया है उसका स्क्वायर कर दो, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, जो फॉर्मूला है उसी पे काम करते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे वाले को निपटा देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स माइनस में, अब नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को निपटा दो, तो ऊपर वाला क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है। अब अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, देखो तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0, कॉस का क्या हमने पढ़ रखा है, साइन एक्स, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, इसका बन गया प्लस में साइन एक्स, नीचे क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, देखो साइन एक्स यहां पर भी है, साइन एक्स यहां पर भी है, तो दोनों उसको बाहर उठा लो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, जो बच जाए उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देखो माइनस है, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। इधर भी मेरे ख्याल से साइन तो गायब हो गया, निकल गया माइनस 1 से, इधर माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1 और माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो प्लस एक्स और माइनस, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो गया, गायब हो गया, तो ऊपर अपने पास बच गया केवल माइनस 2 साइन एक्स, नीचे बच गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहां पे बात करूंगा हर का परिमेयकरण करने पर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहां से अपना हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखो हर का करोगे
तो क्या बनेगा, इसके विपरीत चिन्ह से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा अपने पास वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, ये बन जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन प्लस माइनस एक्स। तो ध्यान से देखो तो आप, आपके पास ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो वन प्लस एक्स देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आ जाएगा। नीचे क्या बनेगा, नीचे जो बनेगा ये देखो, ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट गायब, माइनस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट गायब, ये हो गया। यहां से ऊपर तो देखो तो कुछ गायब हो गया, एक्स गायब हो गया, टू माइनस टू ये लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी बनेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखो तो माइनस वन गायब, माइनस माइनस प्लस टू एक्स आ गया। यहां से आप देखो तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, टू एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वही उसके करने में इसके करने में आसान तो है ही, तो इसका कर देते हैं। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये जगह वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स। जब इसको ट्राई करेंगे तो ट्राई करते हैं तो क्या बनेगा, पहले तो जो नीचे दिया उसका स्क्वायर कर दो आप बंद करके, जो भी नीचे है उसका क्या कर दो आप बंद करके स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास आ गया। अब 2x को छोड़ो, डी अपॉन डी एक्स वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दो, माइनस वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, टू एक्स, अरे सॉरी टू से टू कैंसिल हो चुका था, सारे टू कैंसिल हो गया था, यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पर भी टू नहीं है, तो अपने को डी अपॉन डी एक्स ये क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, एक्स वन का तो जीरो हो गया, अंडर रूट का अवकलन क्या होता है, एक बटे दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ही स्टेप में सारा कर दो आप, अंडर रूट का अवकलन क्या होगा, एक बटे में दो अंडर रूट, फिर अंडर रूट के अंदर जो उसका अवकलन कर देते हैं, तो एक का अवकलन देखो, एक का अवकलन जीरो और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स दे देगा, ये पूरा बचा, यहाँ पे माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये तो एक्स का अवकलन क्या हो गया, एक माइनस अंदर गुणा कर दिया हो तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब जो कुछ कहानी बची हुई उसको देख लेते हैं, तो क्या बचा हुआ देखो उसको, यहाँ पर तो ये x हो गया, देखो यहाँ पे टू से टू क्या हो गया, गायब हो गया, यहाँ पर x, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस वन प्लस में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, अंडर रूट जो है एलसीएम में ले लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे करूंगा तो देखो अंडर रूट है, अंडर रूट है, होल स्क्वायर बनेगा तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये नीचे चलाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो शायद कुछ और गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब हो गया, तो क्या बच गया, वन माइनस में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का कुछ आ रहा होगा क्वेश्चन आंसर देखा जाएगा, तो वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा देखो इसको परिमेयकरण करके इसको छोटा कर लिया, अब इसमें भागफल विधि लगा दिया, आंसर आ गया। इसका जो परिमेयकरण है ये आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, यही करना है, यही लास्ट में ले आकर लास्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा दोबारा, बस इसका इंटीग्रेशन करना होगा। चलो आगे बात करता हूं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन है कुछ भी नहीं, धैर्य की जरूरत है इसमें आपको, आराम से जब ट्राई करोगे तो सारे हो जाएंगे। अब अपन बात करें जब हो सिक्स पे, तो सिक्स में आपको दे रखा है, आपको किसका करना है, साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन, हम रेडियन का डिफरेंशिएशन करते हैं,
जो भी साइन के साथ लिखा होता है वो रेडियन में लिखा होता है जब भी हम करते हैं, तो ये डिग्री में दे रखा है इसको रेडियन में बदलेंगे। तो आप y बराबर मान लोगे, y बराबर मानोगे इसको साइन x डिग्री, तो आपको पता है कि पाई बराबर में जो होता है अपने पास, मतलब 180 डिग्री में आपने देखा होगा पाई रेडियन, देखा होगा ना 11 में पढ़ा 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन। तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 से डिवाइड करें तो पाई अपॉन में 180 ए रेडियन हो गया, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एक्स डिग्री दिया है, तो दोनों तरफ एक्स से मैं क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स डिग्री, इधर से आ जाएगा पाई 180 एक्स। अब ये किस में बदल गया, रेडियन में बदल गया, तो मतलब एक्स डिग्री की जगह पे क्या रखूंगा, पाई अपॉन 180 एक्स रखूंगा। तो यहां पर रखोगे तो वाई बराबर में साइन ये बन जाएगा पाई 180 एक्स बन जाएगा। अब इसका आकलन होगा, यहां पर दिमाग में बैठा लेना कि मतलब एक्स डिग्री हो तो आप पाई बटे में 180 एक्स करोगे, तब जाके करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, देखो तो साइन 90 साइन 30 डिग्री, तो ये सब तो इनका नंबर आता है, इसका सीधे डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, अवकलन क्या हो जाएगा जीरो, तो इसको एक्स में बदलेंगे, रेडियन में बदल के फिर जाके इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अपन इसका करेंगे डीवाई अपॉन डी एक्स, बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन वाई अपॉन में 180 एक्स हो जाएगा। साइन का क्या होता है, कॉस पाई 180 एक्स, अभी भी ये एक्स नहीं था, ये क्या था पाई अपॉन में 180 एक्स, इसका क्या बन जाएगा कॉस पाई 180 एक्स, ये बन जाएगा एक्स का उधर से क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। तब चाहो तो आंसर पाई अपॉन में 180 कॉस ये क्या हो जाएगा, रेडियन में इसको डिग्री बदलोगे तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स डिग्री लिख सकता हूँ, बस काम खत्म, ये हो सकता है डी अपॉन डी एक्स भेजवा जाएगी, समझ के बात को, ये है कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करूंगा, तो देखो क्या होता है, 7 पे बात किया जाएगा यदि, तो 7 पे बात करूंगा तो आपको दिया है वाई बराबर, मैं मान लेता हूं डायरेक्ट पहले लॉग अंडर रूट में दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा एक काम कर लो आप, लॉग 1 माइनस कॉस एक्स नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 1/2 लिख दो, अब लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, तो 1/2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस एक्स नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स 1/2, अब क्या कर दो लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला लगा के वो क्या देता है आपको, लॉग एम माइनस में लॉग एन, अब इसका अपन क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1/2 डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 माइनस कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यहां से आपके पास आने वाला है 1/2, अब करते हैं लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या बनेगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स का थोड़ा सा लिख देते हैं, दिखा देना आप डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तो डायरेक्ट मचल देना, लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये मिल जाएगा अपने पास। इसके बाद अपने पास होने वाला है 1/2, अब इधर आ जाओ 1 का 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये प्लस साइन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो कॉस का अवकलन करूंगा, 1 का तो 0 हो जाएगा 0, और ये क्या दे देगा माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, चाहो तो आप साइन एक्स कॉमन ले लो, बाहर क्या निकाल दो साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉमन ले लिया ऊपर से नीचे 2 हो गया, तो यहाँ पर तो 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 में शायद आप एलसीएम भी लिया होगा तो अपन भी एलसीएम ले लेंगे,
अगर जो बुक वाले को एलसीएम आता है तो अपने को भी आएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स बटे दो, इसका उधर कर दोगे तो वन प्लस कॉस एक्स प्लस वन माइनस कॉस एक्स बटे में वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, तब तो शायद तो बहुत छोटा होने वाला लग रहा है। साइन एक्स नीचे टू हो गया, ये तो गायब हो गया, ऊपर टू आ गया, ये देखो तो बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा और आगे बढ़ जाए साइन एक्स अपॉन में टू, टू से टू तो कैंसिल मार दिया, तो साइन एक्स ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स वन अपॉन में साइन एक्स, ये तो बहुत छोटा आ गया, कोशेक एक्स आ गया ये तो। अब जो मैंने सही किया होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोशेक एक्स एगे। तो देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा होगा, कहाँ गए, हाँ कोशेक एक्स आ रहा है, ठीक है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर एट बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना, बस वही है डिग्री को रेडियन में बदल देना, काम हो जाएगा आपका। अब नाइन के बारे में बात करता हूँ, नाइन भी कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, मैं इसी में नहीं चेंज नहीं हो पाएगा, लिखना ही पड़ेगा, लेकिन काम यही करना है सेम टू सेम, आपको सेम टू सेम यही काम करना है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आएंगे देखना पड़ेगा, चलो तो दिखा दे रहा हूँ आपको। नाइन में देख लो, ये हो गया लॉग अंडर रूट वन माइनस वन प्लस साइन एक्स, नीचे आ गया वन माइनस साइन एक्स, तो अब क्या करेंगे वाई बराबर मैं मान लेता हूँ, तो थोड़ा डायरेक्ट मैं चलूंगा इसमें, आपको पता है कि पूरे की पावर एक बटे दो लिखूंगा, एक बटे दो आगे आ जाएगा, लॉग वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो लॉग एम बाई एन का, वन प्लस साइन एक्स माइनस लॉग वन माइनस साइन एक्स, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब अवकलन कर देना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वन बाय टू डी अपॉन डी एक्स लॉग वन प्लस साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग वन माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ से आएगा वन बाई टू, अब लॉग का क्या हो जाता है एक बटे वन प्लस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस में ये भी आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा ऊपर बचेगा डी अपॉन डी एक्स वन माइनस में, हाँ वन माइनस में साइन एक्स हो जाएगा वन बाई टू, अब ऊपर हो जाएगा जीरो प्लस कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स, एकदम सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है मेरे ख्याल से लग रहा है, जीरो माइनस वो साइन का क्या होता है कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स, ऊपर से देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स, तो कॉमन ले लो उसको, तो कॉमन ले लिया तो ये बच गया कॉस एक्स अपॉन टू, अब एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्ट, ये उधर जाएगा, क्या कर दिया मैंने, अरे ये माइनस का है यहाँ, ये क्या आएगा माइनस का आएगा, ये उधर जाएगा कॉस एक्स तो बाहर निकाल दिया है, तो ये बचेगा वन माइनस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस हो चुका है, तो आएगा वन प्लस में साइन एक्स, नीचे आ गया वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स गायब टू, ये बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेम टू सेम आ रहा है ये तो आंसर, मुझे लग रहा है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स वन अपॉन में कॉस एक्स, उसका कोशेक आया था, इसका क्या आ गया सेक आ गया, देख लिया सेम टू सेम ही था, मैंने उसका कोशेक था कॉस था तो कोशेक, साइन था तो सेक आ गया। अब बात करेंगे थोड़ा सा और ही कुछ बड़े बड़े से, अपने को इतने बड़े बड़े से क्वेश्चन करते करते टीचर थक जाएगा, चलते हैं टेन को देखते हैं, छोटे छोटे देने चाहिए टीचर को, कम मेहनत करना है। टेन पे बात करूंगा यदि तो टेन में वाई इक्वल टू ले लेता हूँ, ये लगाया हुआ है लॉग बेस ई दे रखा है, फिर उसने एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए, इसका डिफरेंशिएशन बोला हुआ है,
चलो बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे। इसके डिफरेंशिएशन पे यदि आप बात करने का प्रयास करोगे तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में log a, ये काम खत्म कर दिया। अब डिफरेंशिएशन कर दो, d अपॉन dy बटे dx हो जाएगा d बटे dx log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी बटे डी एक्स लॉग ए बेस डी। काम किया जाए, हम स्टार्ट करते हैं। लॉग मिला तो लॉग का डिफरेंशिएशन एक बटे में जो भी फंक्शन हो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या बनेगा, जो फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका काम हो गया, ये क्या, ये तो कॉन्स्टेंट है, अचर है, जीरो। काम खत्म करो। अब इसका डिफरेंशिएशन अंदर करते हैं तो वन हो जाएगा। अंडर रूट का क्या बनेगा, एक बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो अंदर बच गया उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट का क्या बताया था, एक बटे में दो अंडर रूट, एक बटे में दो अंडर रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से नीचे कुछ है ये तो जीरो, हाँ नीचे ये है ना, इसको तो लिख लेते हैं एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखिए आप तो ऊपर क्या बनेगा टू एक्स, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, ये बच गया टू एक्स और टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा इसका एलसीएम का खेल खेल लेते हैं क्योंकि एलसीएम तो बिना खेल खेले काम नहीं चलेगा। ये देखना ये मिलेगा इंटीग्रेशन में भी, ये क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में मिलेगा, वहां पर हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा कि नया मिलेगा। टू से टू कैंसिल हो गया, एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा ऊपर वन से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में क्या है एक्स, टू से टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, जो अंडर रूट लिया था उसको नीचे लिया दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पहले से ही यहाँ पर एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये ऊपर का कैंसिल हो गया, देखो कितना छोटा प्यारा सा आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था, आंसर इसका बहुत सिंपल सा आया है, ये मानेंगे वहां पर इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, एक बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसका रिजल्ट याद रखना, पूछूंगा इंटीग्रेशन की इसका रिजल्ट क्या आया था, यदि ऑफलाइन आ गए तो क्लास में, ऑनलाइन चलते रहो तो मजे है आपके तो जिंदगी के, क्या कहने हैं, कोई परेशान नहीं है, कोई फिजिक्स वाले मैथ वाले सब परेशान नहीं कर रहे हैं, नहीं तभी तक तो कई के पेरेंट्स आ जाते सर प्रेशर बहुत पड़ रहा है बच्चों पर, क्या करें, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, अब तो मजे है आपके किस्मत वाले, आप सब ऑनलाइन पढ़ रहे, पढ़ो ना पढ़ो कोई डांटने वाला तो है नहीं, पता भी नहीं चल रहा होगा कि क्या कर रहे हो, कुछ जुगाड़ लगाया जाए तुम सबका रिजल्ट जानने को कि कौन कौन पढ़ाई कर रहा है कौन कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ किया जाएगा, आप परेशान मत हो, आपको टेंशन दिया जाएगा। 11 देख लेता हूँ जल्दी से, लास्ट आज का रहेगा यही मेरे ख्याल से, y log e x स्क्वायर प्लस x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पेपर भी लिया जाए तो कैसे लिया जाए समझ में नहीं आ रहा है मुझे। log m by n log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हो गया वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ये हो गया। लॉग को निपटा दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके बाद जो ऊपर बचे उसको बाद में निपटा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे माइनस इस लॉग को निपटाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर को निपटा दो तो ये बन जाएगा टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस, ये क्या बन जाएगा टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहीं पर छोड़ दो, क्या करना है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन 7.2 के एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा, ठीक है, बाय बाय।